Welcome friends, welcome to our YouTube channel All About Engineering. Today's topic, how to draw spur gear. Spur gear ka maine approximate construction method of spur gear jo 30 and 30 above teeth ke liye hai, spur gear ka wo 2D drawing hum log today learn karenge how to draw. Suppose given kya hai, number of teeth 34, module 10. तो वहाँ से हम लोग जैसे पहले कैलकुलेशन कर फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वहाँ से पीसीडी आ गया हमारा 340, सीपी आ गया 31.43, एडेंडम सर्कल आ गया 360, डिडेंडम सर्कल आ गया 316.86 एंड टूथ थिकनेस आया 15.7। तो ये हमारा डेटा हमारे पास आ गया। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे क्या, पीसीडी का पहले एक्स सर्किल ड्रॉ करेंगे, एडेंडम सर्किल ड्रॉ करेंगे और डिडेंडम सर्किल ड्रॉ करेंगे। पहले हम ये तीनों ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ड्राइंग हो गया, ये डिडेंडम सर्किल है, ये पीसीडी सर्किल है, ये एडेंडम सर्किल है। तो तीन सर्किल हमने ड्रॉ कर लिए पहले हम जैसे बताई। तो इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद ये पीसीडी से, ये हमारा पीसीडी का डिस्टेंस है, तो पीसीडी का डिस्टेंस कितना है, ये आधा है पी सर्किल डायमीटर से, ये आधा डायमीटर मतलब रेडियस है। तो वो कितना है, पीसीडी बाई टू कितना आया, 170। हम लोग पहले पता था पीसीडी आया 340, वो अभी आधा आ गया 170। इसके बाद पीसीडी बाई ए डिस्टेंस से आधा करेंगे, ये डिस्टेंस वो हो गया क्या, पीसीडी बाई फोर कितना आएगा, 85। उसके बाद क्या है, ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है पीसीडी से ए डिस्टेंस, तो इसका आधा जब करेंगे इक्वल, तो क्या आएगा, एक एक यहाँ से ये यहाँ कितना आएगा, पीसीडी बाई 8 42.5, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। नाउ क्या है, ये तीनों सर्किल हो गया था, इसका आधा भी हो गया था। अब क्या करेंगे, पीसीडी बाई 4 कितना आया था, 85। तो वहाँ से एक आधा सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा सेंटर था, सेंटर से पीसीडी बाई 4 डिस्टेंस लेकर एक हाफ आर्क टर्न खींचेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इस डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, पीसीडी बाई ए भी पीसीडी बाई फोर, ए भी पीसीडी बाई फोर, तो इसका आधा करेंगे तो पीसीडी बाई 8 आएगा। हम दिखाया पहले पीसीडी बाई 8 कितना आया हमारा, 42.5। तो वो क्या करेंगे, उसका रेडियस हम जो बैठाएंगे, उसका यहाँ से रेडियस बैठाएंगे, यहाँ से ए जो डिस्टेंस आया था पीसीडी बाई 8 डिस्टेंस है, इसका आधा ये है। तो यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे बाहर से, जिसका पीसीडी बाई 4 और पीसीडी बाई 8 दो डिस्टेंस क्रॉस करेगा जो पॉइंट को, वो होगा हमारा बेस सर्किल का पॉइंट, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट से जो सर्किल हम ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा बेस सर्किल। तो हमको पता है पहला जो हम वीडियो में दिखाया, एडेंडम सर्किल, पीसीडी सर्किल एंड डिडेंडम सर्किल, उसके साथ एक बेस सर्किल भी जरूरत होता है, जिसके ऊपर बैठाकर हम लोग टीथ ड्रॉ करेंगे। तो बेस सर्किल कैसे आया हमने बताई अभी, तो हमारा चार सर्किल ऐसे आ जाएगा, एक एडेंडम सर्किल, एक पीसीडी बेस सर्किल और डिडेंडम सर्किल, चार सर्किल आ गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा टीथ जितना रहेगा, तो 34 टीथ दिए गए हैं, तो हर एक टीथ का सेंटर कितना, सेंटर डिग्री कितना होगा, पार्ट टीथ एंगल कितना आएगा, 360/34 इक्वल टू 10.5 डिग्री करके, एक एक टीथ का सेंटर लाइन 10.5 डिग्री अपार्ट रहेगा। यहाँ हमने पांच टीथ बनाएंगे, इसलिए 10.5 डिग्री अपार्ट करके पांच लाइन यहाँ ड्रॉ किए हैं फॉर फाइव टीथ के लिए। और टीथ थिकनेस कितना आएगा, टीथ थिकनेस था 15.7, वो हम 16 पकड़ेंगे, तो 16 हमारा टीथ थिकनेस है, तो और उसका आधा कितना है, 8। अब क्या करेंगे, हमारा एक टीथ सेंटर लाइन है, एक एक टीथ का सेंटर लाइन, तो वो सेंटर लाइन क्या करेगा, टीथ थिकनेस का आधा उस लाइन का दो पास में हमने मार्क कर लेंगे, इस साइड में 8, इस साइड में 8, इसका भी 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 8। जितना हम टीथ बनाएंगे तो वो हर एक टीथ सेंटर के, सेंटर लाइन के, पीसीडी लाइन के ऊपर 8 करके, मतलब टीथ थिकनेस का आधा आधा करके सेंटर लाइन का दो साइड में हम पहले मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो वहाँ था पीसीडी था, पीसीडी बाई 8 जितना था, वो कितना था, पीसीडी बाई 8 वहाँ था 42.5
42.5 था, वो हम क्या करेंगे रेडियस पकड़ लेंगे। तो 42.5 रेडियस लेकर, 42.5 रेडियस लेकर हम क्या करेंगे, किसी भी टीथ का आधा पॉइंट में बैठा कर, ये हमारा बेस सर्कल है, बेस सर्कल के ऊपर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से भी, यहाँ से यहाँ भी इस लाइन के ऊपर भी वो रेडियस ड्रॉ करेंगे, आर्क खींचेंगे, इस पॉइंट से भी आर्क खींचेंगे यहाँ। इसी तरह हमारा एक एक थिकनेस का वो पॉइंट से बेस सर्कल के ऊपर आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ से बेस सर्कल के ऊपर जो आर्क खींचे हैं, ये जो आर्क खींचे हैं वो क्या करेंगे, वो आर्क कितना है, वो है PCD/H, तो वही हमारा रेडियस होगा। वही रेडियस लेकर यहाँ बैठा कर, ये हमारा बेस सर्कल ऊपर जो आर्क पॉइंट आया PCD/H रेडियस लेकर, हम ऐसे करके एक ऐसे करके हम आर्क खींचेंगे, ये हमारा होगा रेडियस होगा PCD/H। अब क्या है, एक साइड में हो गया PCD/H रेडियस एक थिकनेस के ऊपर, दूसरा थिकनेस से बेस सर्कल के ऊपर ये हमने जो आर्क खींचा, उस आर्क से हम यहाँ से भी रेडियस ड्रॉ करेंगे। ए भी हमारा क्या है, ये कितना रेडियस है, ए भी PCD/H, तो PCD/H हमारा कितना था 42.5, वही रेडियस लेकर दो साइड में ऐसे आर्क खींचेंगे। फिर हम यहाँ से ए भी टीथ का है, तो इस टीथ इस थिकनेस में बैठा कर फिर बेस सर्कल के ऊपर हम यहाँ से एक आर्क खींचेंगे, फिर यहाँ से बैठा कर यहाँ एक आर्क खींचेंगे, तो इस आर्क के वही PCD/H रेडियस लेकर यहाँ से भी हम ऐसा करके आर्क खींचना है, इस पॉइंट से बैठा कर इस पॉइंट से बैठा कर यहाँ से भी आर्क खींचना है, यहाँ बैठा कर यहाँ आर्क खींचेंगे, तो यहाँ बैठा कर यहाँ आर्क खींचेंगे, ये हमारा बेस पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा रेडियस है। तो इसी तरह हमारा हर एक टीथ ड्रॉ होगा। और क्या है, वो रेडियस बनाकर थोड़ा सा नीचे देना है, और ये ऊपर तो जा ही रहा है, आउटर एडेंडम में तो क्रॉस कर गया, अभी क्या है, ये हमारा डिडेंडम है, डिडेंडम के साथ थोड़ा सा हल्का रेडियस से वो मैच हो जाएगा। इसका भी है CP/8, जो CP/8 कर सकेंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप हाथ से भी वो थोड़ा आर्क करके मिला सकते हैं। ये हमारा टीथ हो गया।